वो माया बहुत सुंदर माया को दिखाया है आदरणीय दादाजी ने, क्योंकि अब अध्यात्म का समय आ गया है। इसलिए कहना चाहता हूं कि आजकल कलयुग में गाय पालना लोग भूल गए हैं, कुत्ते बिस्तर पे सोते हैं, काजू किशमिश खाते हैं और हमारे माँ बाप वृद्धाश्रम में पहुंचाए जाते हैं। इसलिए कहना चाहता हूं जो नेकी कर दरिया में डाल देते हैं, जो दूसरों पर कीचड़ उठा देते हैं, उनकी भगवान भी नहीं सुनता। जो बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, जो बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, उनकी भगवान भी नहीं सुनता है। इसलिए कहना चाहता हूं, क्योंकि माया की बात आई है तो अंधेरे में ये काया साथ छोड़ देती है। आदमी जीवन भर धन धन धन, और जब शोक पत्र आता है तो निधन ही लिखा जाता है। जीवन भर धन धन के लिए मरता है और जब शोक पत्र लिखता है तो निधन लिखा जाता है। इसलिए कहना चाहता हूं कि अंधेरे में ये काया साथ छोड़ देती है, बुढ़ापे में ये माया साथ छोड़ देती है, अंधेरे में छाया साथ छोड़ देती है, बुढ़ापे में काया साथ छोड़ देती है। जिसके लिए जीवन भर मरता रहा, अंत समय वो माया भी साथ छोड़ देती है, क्योंकि माया साथ में नहीं जाती है, ऊपर नहीं जाती है। इसलिए अब देखिए आप रिश्ते कैसे होते हैं, आदमी कोई किसी का नहीं है, ये केवल व्यवहारिक चीजें हैं। पत्नी मकान तक, और समाज शमशान तक, और पुत्र अग्निदान तक, और कर्म भगवान तक। इसलिए कर्म करते रहिएगा, भगवान की अगर रास्ता आपको चाहिए तो कर्म आपको करना पड़ेगा। सुबह का वक्त है, मैं आदरणीय दीक्षित जी से निवेदन करूंगा कि वो आए, क्योंकि भगवान राम हमारे सनातन मूल हैं। इसलिए कहना चाहता हूं कि राम हमारे शक्ति भक्ति और गति है, राम हमारे धर्म कर्म और मति है। राम के बिना आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहाँ है, राम के बिना ये भारत वर्ष कहाँ है, राम के बिना ये भारत वर्ष कहाँ है, बिना राम के कोई संभव नहीं है। इसलिए कलयुग मैं ये कहना, जिस सुत गोस्वामी जी ने लिखा है, बहुत सुंदर एक चौपाई लिखी है कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, पैसा धन सब कुछ पापियों के घर भी हो सकता है, सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। दुर्लभ है हरि कथा। आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि महाराज श्री के सानिध्य में आज सारी रात्रि हनुमंत लाल जी के चरणों में दी है। निश्चित रूप से इसका पुण्य फल हम आप सभी को मिलेगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि दीक्षित जी आए और विषय का गीत पढ़ें, और इसके बाद एक छोटा सा कठपीस। हिम्मत बिगड़ गई बाबा जी, अबे फरसे में धार न बन पाई गुरु, कुछ उम्र का ख्याल करो बाबा हैं। बोला बाबा जी, रस्सी जल गई, ऐठ नहीं गई, राम की ओर भाग खड़े हो गए। खतरा देखा, बाईपास निकल गई। लक्ष्मण ने जो चुनौती दी थी जी, उससे बहुत दूर है जी। ओ ये
कुंजमई पावन बेला इस बेला में तुम ना सो खो गया है जो खो जाने दो जो बचा है उसको ना खो बाबा जी सलाह अच्छी है कि लाल चंद्र ये ध्यान रहे कि बीते कल को अब ना रो यदि फूल नहीं बो सकते तो कांटे कम से कम ना बो उम्र का ख्याल करो बाबा जी बढ़िया गीत लाए हैं आप जी कि कोई किसी को चाहे हमारे बड़े भाई दादाजी ने गीत गाया है ये हफ्ता हफ्ता साल महीने जो भी हों पे कोई किसी को चाहे तो क्यों गुना समझते कोई किसी के खातिर तरसे अगर तो हंसते हैं लो पत्ता बूटा बूटा पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा दादाजी ये पत्ता पत्ता हो चाहे हफ्ता हफ्ता हो ये तो नहीं जानता मैं लेकिन मैं एक अपने विचार रख रहा हूँ कैसा आप प्रभु राम की तरफ मुड़ गए हैं आखिर राम है क्या कैसे हैं कहाँ हैं कि कोई उन्हें बुलाए दादा केवल पंक्ति सुन लीजिएगा माला तोड़ के फेंकी कपी ने
तो हंसी उड़ाते वीर माला में राम नहीं दिखे तो तुमने तोड़ के फेंक दी। हंसी उड़ाते वीर ये देख के बाबा बजरंगी ने सीना डाला लोग दांतों तली अंगुली दबा के रह गए। सीने में राम सीने में राम हे बजरंग बली आखिर तूने ऐसा चमत्कार किया कैसे? कोई चमत्कार नहीं है ये सभी के लिए एक पंक्ति पढ़ रहा हूं कि कोई उन्हें बुलाए श्रद्धास जो मांग मांगे जय जय तो मांगो भी सबकी पुजाते है राम। कोई ये माने न माने कि कोई ये माने न माने कि मत है चप्पा चप्पा कि चप्पा चप्पा अजर्रा जर्रा कि चप्पा चप्पा जर्रा जर्रा कि श्री राम सब में समाए चप्पा 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 अजर्रा जर्रा प्रभु राम सब में समाए चप्पा चप्पा जर्रा जर्रा प्रभु राम सब में समाए चप्पा 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 जर्रा जर्रा प्रभु राम सब में बोलिए राजा रामचंद्र भगवान।